हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम एलिमेंटा के प्लांट को किस तरीके से रिपॉट करते हैं और किस तरीके से हम इसको लगाएंगे कि ज़्यादा दिन तक हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ये पॉट ले लिया है और इसमें मिट्टी भरी हुई है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी खाली कर लूँगी। पहले इस तरीके से हमें मिट्टी को पहले खाली कर लेना है। ज़्यादा नहीं खाली करेंगे, बस रूट जो प्लांट का जो रूट बॉल है उसको बस घुसाने के लिए, उसको अंदर डालने के लिए उतनी जो है वो खाली कर लेनी है हमें। और ये थोड़ी मिट्टी मेरी गीली है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अभी थोड़ी प्लांट गीली है। और अभी अगर हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो काफ़ी जल्दी लग जाती है, काफ़ी जल्दी उसका जो रूट है वो जो है पॉट में फिक्स हो जाता है। और आप मेरे हैंड्स को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं काफ़ी देर से जो है ये सब काम कर रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ प्लांट्स का, तो थोड़े गंदे हो गए। तो दोस्तों, ये जो मिट्टी मैंने अभी खाली की है वो है। अब मैं इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी से कुछ कुछ चीज़ें मिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके लिए गोबर की खाद से मिलाऊंगी। आप चाहें तो, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसके जगह पर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये गोबर की खाद मिला ली अच्छे से, और अब मैं इसे मिलाऊंगी थोड़ी सी राख। ये जो है ये वुड ऐश है, इससे क्या है कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। क्यों, इसको भी आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस मैं इतनी सी मिलाऊंगी। और इसको अगर आप ज़्यादा मिलाते हैं तो प्लांट्स के लिए वो भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें इसका हल्का सा यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी हमारे प्लांट में जो है वो फंगस नहीं लगेगा कोई भी। अभी जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो इससे क्या होगा कोई भी फंगस का अटैक वगैरह कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी अच्छी सी एक मिट्टी तैयार कर ली है, और अब जो है ये मेरा प्लांट यहाँ पर है। और ये प्लांट का जो है इसमें से मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसको। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है इसको निकाल लिया है छोटे पॉट से, और आप देखिए इसके कितनी अच्छे से रूट्स डेवलप हुई हैं। और ये अब थोड़ा रूट बाउंड भी होने लगा था, तो इसको शिफ्टिंग की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैंने इसका बिल्कुल भी जो मिट्टी है जो गमले से मैंने निकाला है इसको, उसमें से बिल्कुल भी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप चाहें तो हल्की हल्की सी इस तरीके से बस हिला करके थोड़ी थोड़ी सी रूट्स को ढीला कर दीजिए, बस इस तरीके से बस आपको थोड़ा थोड़ा ढीला कर देना है। और अब हम इस प्लांट को बस ऐसे रख देंगे, इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, इससे जो है प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। बस मैं इस तरीके से रख दूंगी इस प्लांट को, और अब जो है बस मैं इसमें मिट्टी को इस तरीके से भर दूंगी साइड साइड से अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करके अच्छे तरीके से इसे मिट्टी भर दीजिए। और बस आपको यही ध्यान रखना है इस प्लांट का कि आप इस प्लांट को रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। रूट बॉल अगर आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा कम रेट होता है कि वो सरवाइव कर पाएगा, इसलिए आप कभी भी रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें। रूट बॉल को डिस्टर्ब करने से प्लांट काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। तो इस तरीके से मैं अभी इसको फिल कर लेती हूँ मिट्टी को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस प्लांट को अच्छे से पॉट कर दिया, और आप देखिए मैंने मिट्टी को बहुत ऊपर तक भरा है, सिर्फ हाफ इंच की जो जगह है वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें मैं पानी डालूंगी तो वो थोड़ा सा बैठ जाएगा। और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आप अपने पॉट को पूरा अच्छे से फिल कर दीजिए ऊपर तक, ताकि इसमें एक्सेस वाटरिंग ना हो, ज़्यादा पानी इसमें ना जाए। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आएगा तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी और मिट्टी, जैसे एक इंच तक की ऊपर की मिट्टी हटा दे, ताकि उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिट्टी को मिले और उसे प्लांट्स को भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही था बस मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को जा कर के वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्लांट से रिलेटेड जो रीसेंट अपडेट है वो मैं वहाँ पे देते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।